दो दोस्त अजय विजय, दोनों हैं पिडलाइट के डिस्ट्रीब्यूटर। अजय का धंधा है बड़ा अच्छा, पर विजय का थोड़ा कच्चा। एक दिन सुबह सुबह अजय पहुंचा विजय के घर चाय पीने। अरे विजय भाई, चाय पिला दो यार, आज दूध वाला नहीं आया। मैं भी अभी तक चाय का वेट कर रहा हूँ। अरे रामू, चाय लेके आना। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अजय भाई, आज हमारे यहाँ भी दूध वाला नहीं आया, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। आ जाने दो उसे, उसकी खैर नहीं। अरे गुस्सा नहीं, कभी कभी लेट हो जाता है। अरे गुस्सा नहीं तो उसकी आरती उतारे हैं? ऐसे कोई धंधा करता है क्या? बिल्कुल नहीं, सर्विस तो टाइम पे ही होनी चाहिए। आओ बैठो। यार विजय, आज एक बात का एहसास हो रहा है कि जब हम अपने कस्टमर्स को टाइम पे सर्विस नहीं देते हैं तो उन्हें भी तो हम पे गुस्सा आता होगा। पर अपने धंधे में तो वही, तो अपने धंधे में सिर्फ माल की डिलीवरी नहीं, क्रेडिट नोट देना, डैमेज स्टॉक रिप्लेस करना होता है, और इन सर्विसेज में कई बार हमसे ढिलाई हो जाती है। मुझसे तो अक्सर हो ही जाती है अजय भाई, पर इतना तो चलता है ना। विजय भाई, ये चलता है वाली मानसिकता ठीक नहीं। अगर ठीक होती तो पिडिलाइट अपने डीलर्स को बराबर सर्विस देने के लिए पॉलिसीज क्यों बनाती? उन पॉलिसीज का पालन नहीं करके हम ना सिर्फ पिडिलाइट का बल्कि अपना भी नुकसान कर रहे हैं। कैसे? देखो, अगर डीलर को बराबर सर्विस नहीं देंगे, वो कंपटीशन वालों से माल लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा, तो हमारा धंधा तो गया ना। नुकसान किसका हुआ? हमारा। सच का? अब से डीलर्स को पिडिलाइट के पॉलिसी के अनुसार बढ़िया सर्विस दूंगा। और स्टॉक रखना, पॉलिसी में तो सैश का पालन करने के लिए भी कहा है। मैं ज्यादा स्टॉक इसलिए नहीं रखता ताकि रोलिंग के पैसे बचे। उसी के लिए तो कंपनी ने सैश की पॉलिसी बनाई है। तुम हर रोज सिर्फ अपने फिजिकल और बुक स्टॉक का हिसाब लेकर दर्पण को सिंक करो। बाजार की जरूरत को देखकर दर्पण तुम्हारा सैश एडजस्ट कर देगा। इससे कितना फायदा होता है पता है तुम्हें? कैसे फायदे? हमेशा सैश मेंटेन करने से 3-4 दिन का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, मंथ की डंपिंग से भी छुटकारा मिल जाता है, सभी प्रोडक्ट का बराबर स्टॉक मेंटेन होता है, कोई ऑर्डर भी नहीं छूटता। इतने सारे फायदे हैं सैश के? हाँ, तुम्हें नहीं पता था? नहीं, अब पता चल गया तो हर पॉलिसी का पूरा पालन करूंगा और सैश के मुताबिक ही स्टॉक रखूंगा। तो समझ गए ना, पिडिलाइट की पॉलिसीज के पालन में ही समझदारी है। देखते रहिए ऐसी ही समझदारी के किससे अजय विजय की।